है ना, तो ऐसा लगता है कि वो जो थिएटर में था वो नकली था, असली तो अहमदाबाद में पैदा हुआ, वो सिलेक्शन नहीं हुआ उसका। आपने देखा होगा नहीं, बाइक पर बैठेगा, और आजकल बाइक भी ऐसी बनी है यूं, है ना कासिम, तेरी बीवी को तो बिठा ही नहीं सके, ऐसी बाइक बनी है, पीछे वाला काम हो तो समझ में ही ना आवे। अरे मौना अंजुम वो बाइक लेके जाएगा और बिल्कुल चौराहे पे जाएगा, और देखो उसकी स्टाइल देखना, स्टाइल जैसा कितना बड़ा पहाड़ तोड़ के आया, अपने आप को समझेगा कोई खान खान मैं हूँ, हाँ ऐसा ऐसा कॉलर वॉलर भी ऐसा करेगा, और फिर क्या करेगा मालूम है, वहां जाके नहीं यूं जेब में से गुटखा निकालेगा और यूं टर करके खोलेगा, हाँ यूं ताकि सब लोग देखे कि बहुत स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल, जीन्स टी शर्ट, गले में चेन और वो गुटखा, ओहो मालूम नहीं थोड़ी देर के लिए समझता मैं वो हूँ, और मालूम नहीं गुटखा खाएगा, हालांकि कम वक्त उसको भी मालूम है कि गुटखा इंजरियस फॉर हेल्थ, ये नुकसान देता है, लेकिन खाएगा गुटके पे गुटके, यहाँ भी बहुत सारे गुटके बाज बैठे होंगे, ये खाएगा खाएगा, जब उसको देखेगा बहुत प्रॉब्लम हो गया ना, फिर भी चौराहे पे जाएगा, अकड़े ना अकड़ अंदर से जो घमंड है ना घमंड, वो जाएगा चौराहे पर, लेकिन अब यूं आ करके नहीं खा सकता, अब यूं रखेगा अपने हाथ में, यूं यूं करेगा, और उसके बाद में एक हाथ से दरवाजा खोलेगा आ, और दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा, फिर खा खा के इतना मुंह हो जाता है, इतना मुंह देखा होगा आपने। मेरे पास तो मौलाना हर इतवार को मेरे यहाँ तावीज का जो मामला चलता है ना, मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, कितने कैंसर के पेशेंट आते हैं, जो बेचारे मुंह पे कुछ लोग पट्टा बांध के आते, कुछ लोग रुमाल बांध के आते, कुछ लोग कुछ नहीं बांधते, लेकिन यहाँ इतना सा मुंह, वो बोल भी नहीं पाते, और क्या कहेंगे, मौलाना बहुत गुटखा खाया, कोई तावीज दे दे। मैंने कहा अल्लाह का बंदा जब ठोसता था तब मौलाना याद नहीं आए, अब मरने पर आया, सारे डॉक्टर ने कह दिए 6 महीने का मेहमान, खुल के डॉक्टर कह देता 6 महीने से ज्यादा भी बचने वाला नहीं मेरे दोस्तों। और फिर एक एक मेरे को फतवा पूछता, मुफ्ती अंजुम आप फतवा दे दे, मेरे को एक ने फतवा पूछा, गुटखा खाता था मेरा भाई 6 महीने में मर गया शहीद। मेरे को पूछता शहीद, मैंने कहा कम बखत किसी और को फतवा पूछा होता, मेरे जैसे नफट मौलवी को पूछता, कोई और मौलवी होता तो सर पे हाथ रखकर बोलता शहीद, मैंने कहा दुआ कर अल्लाह जहन्नम से बचावे, क्योंकि इसने अपनी बॉडी को खुद बर्बाद किया, गुटखा खा खा के गालों में सूजन आई, ऑपरेशन हुआ तो यहां से यहां तक काट दिया गया, यहां से गुठली बाहर निकाल दी गई, उसके बाद में रेडिएशन हुआ, उसके बाद में खीमो हुआ, उसके सर के बाल उजड़ गए, उसका चेहरा छोटा हो गया, उसका बॉडी का वजन कम हो गया, एक एक चीज का कल कयामत में जवाब देना पड़ेगा। और मैं नहीं कहता, कुरान करीम में लिखा इन समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते गुनाह कर करके बदन के एक एक टुकड़े को बर्बाद करेगा, कल कयामत में उसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा और अजीब व गरीब, मेरे को अहमदाबाद में कासिम भाई नहीं मालूम, लेकिन हमारे सूरत में बहुत होता है, बाल भी कुछ अजीब तरीके के बनाते हैं भाई आजकल जवान लोग, यहाँ बनाते हैं अहमदाबाद में, ये 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 एरिया में बाल ही नहीं, यहाँ से टकला है, मैं कभी कभी बोलता हूँ ये एरिया यतीम है। अच्छा यहाँ भी बाल नहीं, ये गरीब है, और पीछे भी बाल नहीं, वो सकात का मुस्तहिक है, ऐसे वो अम्बोड़ा कुड़ुक मुर्गी का पर। अच्छा होशियारी इतनी मारता, एक तो तीन तरफ से टकला है, मतलब तीन तरफ से दिमाग लूज हो चुका है, अब ये जो इतना छोड़ा, अभी क्या करेगा मालूम हो ना, अभी सब यूं चौराहे पे जाएगा और गुटखा उटका खोलेगा, और इतने बाल होंगे ना, अरे भाई ये कितना के घुमा रहा है भाई, तो भाई सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, और उसको पूछो कि ये क्या है तो कहेगा अच्छा वो कोई क्रिकेटर का दीवाना है, वो कोई बॉलीवुड वाले का फैन हो गया, कोई हॉलीवुड वाले का फैन हो गया, कोई टीवी सीरियल वाले का फैन हो गया। अरे मैंने कहा पागल है, अहमदाबाद में रहता, हमने तो अहमदाबाद की अकल को बहुत ऊंची अकल समझा, तू पागल है, तू ऐसे ऐसे बाल बनाता है। तो कहता ना मेरे को वो क्रिकेटर बहुत अच्छा लगा, मेरे को वो बॉलीवुड वाला बहुत अच्छा लगा, मेरे को टीवी सीरियल वाला। मैंने कहा पागल है, पावली है, तू उसकी नकल करता है जो दुनिया में पैदा होता, दुनिया में कमाल बताता है। भाई क्रिकेटर दुनिया में पैदा हुआ, दुनिया में कमाल बताया, बॉलीवुड वाला दुनिया में पैदा हुआ, जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पे कमाल बताया, हॉलीवुड वाला जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पे कमाल बताया, वो कबड्डी वाला जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पे कमाल बताया, वो फुटबॉल वाला जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पे कमाल बताया। अरे हमारे मुस्तफा अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमानों पर कमाल बताते हैं। अल्लाह की कसम बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई